हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल एबीसी कंपटीशन में स्वागत है। आज हम बात करेंगे परसेंटेज के पार्ट नंबर 2 के बारे में, यानी सेकंड चैप्टर कराने जा रहे हैं हम इसी का। आज सेकंड क्लास है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि आने वाली जो वीडियो हैं वो आपको मिलते रहें, और अपने जो भी दोस्त हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, तो उन पर शेयर करें, जिससे कि आपको समय समय पर हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे वीडियो पर नए आए हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, मैं आपको आज इम्पोर्टेंट सवाल कराने जा रहा हूँ परसेंटेज के, जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से अच्छे क्वेश्चन होंगे और छठे हुए क्वेश्चन करा रहा हूँ, यानी जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पहले आए। तो देखिए, देखिए कुछ इस तरह के सवाल आते हैं, आपको मैं बताते रहता हूँ। एक कस्बे की जनसंख्या, यानी एक कस्बे की जो जनसंख्या है, एक जगह की, शहर की जनसंख्या है, वो वर्तमान में है 176,400, ठीक है, और 5% वार्षिक की वृद्धि से बढ़ रही है, ठीक है। तो आपको 2 साल के लिए बढ़ रही है ना 5% की दर से, तो 1+5% 2 साल के लिए बढ़ रही है, तो आपको इस तरह से जमाना है, ठीक। यानी 2 साल के बाद में जो जनसंख्या होगी वो कितनी होगी वो आपको निकालना है। तो आपको करना क्या है, 176,400 × ये आप काट लेंगे या यहाँ भी काट सकते हैं, 5 × 5, 5 × 10, यानी 21/20, 2 बार है तो 2 बार आपको लिख देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो चली गई, 2 8 16, 2 8 16, 2 2 4, 2 से फिर काट देंगे, ये आ रहा है आपको, ये 441 × 21 कितना होगा, 441, इसका गुणा कर लेंगे, आपका आंसर आ गया। तो गुणा कर लें अपन, चार एकम चार, चार चुक 16 × 6 = 40, ये हो गया आपका 194,881। तो ये 2 साल बाद में जनसंख्या हो जाएगी किसी शहर की। अगर मान लो आपको 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या होती, यही का यही सवाल होता, तो ये कैसे ही बता देते हैं आपको। अगर पूर्व की आपको निकालना है, यानी 2 साल पहले की, तो 176,400 पूर्व की निकालना है 5%, यानी 2 साल पहले की, तो आप इस तरह से जमा सकते हैं इसे, और चाहे तो ऐसा भी जमा सकते हैं। सेकंड इसे सॉल्व कर लेंगे, 176,400 ये हो गया आपका 5 × 5, 5 × 10, तो ये हो गया आपका 21/20 की घात, ठीक है। अगली स्टेप बताते हैं, 176,400 × 20 × 20 / 21 / 21, ठीक है, ये आप काट लेंगे तो ये देखिए यहाँ पर 3 से ही काट लें, 7 से काट लो, 7 × 21, 7 × 2 = 14, 3 × 36 = 35, 7 × 2 = 14, 2 जीरो की जीरो।
तीन एकम तीन, ती अट्ठे 24, ती चुको 12, जीरो की जीरो जीरो। 7 से काट लो, 7 ती 21, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12। 3 एकम 3, ती चुको 12, 400। तो ये आपका 400 गुणा 400 हो गया, ये गलने में जुड़ेगा 4 चुको 1600, 1,60,000। अच्छा, इसी को मैं आपको दूसरे तरीके से करके बता रहा हूँ, ऐसा भी कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते। देखिए, कूद की जब पूछ रहा है तो आप क्या करना है, वन बटे वन सॉरी वन प्लस 5% से 1,76,400। तो ये होगा आपका 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 1 21/20। ठीक है, 1,76,400। एक्स बराबर कर लो 1,76,400 गुणा में हो जाएंगे 20 × 20/21। ये आप काट लेंगे वही 7 से काट लो, 7 3 21, 7 2 14, 7 5 35, 7 2 14, 3 8 24, 3 6 12, 4, 7 3 21, 7 1 7, 7 2 14, 3 1 3, 3 6 12। तो ये कितना हो गया आपका 400 × 400, वही आ गया आपका 1,60,000। क्या मैं 3 साल पहले कितनी थी वैल्यू, 1,60,000 रुपये। देखिए अगला कुछ इस तरह का एक और सवाल बता रहे हैं हम आपको। एक मशीनरी 1,20,000 में खरीदी गई, इसका 10% वार्षिकी दर से अवमूल्यन हो जाता है, तो 2 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य क्या होगा, है ना। देखिएगा कितने प्रतिशत से हो रही है आपकी अवमूल्यन, 10% से अवमूलन मतलब घिसाव हो रहा है, यानी कमी हो रही है। तो 1,20,000 कितने प्रतिशत, 10% 2 साल के बाद, तो ये हो जाएगा आपका 1,20,000, 10 से 10 कट जाएगी आपकी, 10 और 1 9/10 हो जाएगा 1,20,000, 9 × 9 2 0 से 2 0 कट गई आपकी, 1,200 × 8,100, ये हो गया आपको कितना, 1,86,000। सॉरी 97,200। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। देखिएगा अगला सवाल। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए तथा वह 5,580 मतों से पराजित हो गया, यानी 5,580 मतों से पराजित हो गया। तो कुल मतों की संख्या याद करना है आपको। तो 41% मत प्राप्त किए और उसे कितने मत मिल, कितने से वो पराजित हो गया, 5,580 मतों से। तो आप 100% होते हैं, तो 100% में से अगर आप 41% घटा लेते हैं तो आपके पास कितना बचा, 59% उसको मत मिले, है ना। अगर दूसरे की बात करें तो उसे कितने मिले हैं आपके, 41%, और वह कितने से, 5,580 मतों से पराजित हो गया।
ठीक है, इनको घटा लेंगे आप 41 में से, 59 में से 41 जाएंगे तो आपके पास 8 और 1 18, 18% है। बराबर 5,580, तो x बराबर 5,580 गुणा 100 बटे 18, ऐसा लिख लेंगे। तो इनाम 18 तीन से काट लेते हैं, 3 छिंग 18, 3 एकम 3, 3 8 24, 3 छिंग 18 0 की 0, 6 3 18, 6 कम 6 0 की 0, x बराबर ये आपका हो गया 31,000। ठीक है, ठीक है, आपके पास कुल मतों की संख्या आ गई 31,000। अगला देखिए, अगला, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 51% मत प्राप्त किए, कितने प्रतिशत, 51%, तथा 20% जो थे ना वो अवैध घोषित कर दिए गए, यानी गलत तरीके से थे। यदि कुल मतों की संख्या 7,500 हो तो दूसरे उम्मीदवारों ने कुल कितने मतों वैध मत प्राप्त किए। तो आपको इसमें सिंपली कुछ नहीं करना कि आपको कितने टोटल जो मत थे आपके पास 7,500, कितने मत थे आपके पास, 7,500, 20% अवैध घोषित कर दिए गए, यानी गलत तरीके दलील हटा दिए गए। तो ये आपके हो गए 0,000, यानी 1,500। 1,500 जब गलत तरीके से चले तो 7,500 माइनस 1,500 हो जाएंगे, तो ये आपके बचे 6,000। ठीक है, 6,000 मत बचे। ठीक, अब आगे पूछ रहा है, आगे क्या पूछा है इसने कि उम्मीदवारों को कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ, तो इनका जो है ना उन्हें कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ, 55%, यानी 6,000 का 55%, 2 0 से 2 0 0 6 5 30 की 0 हासिल, 3 6 5 30 और 3 33, यानी 3,300 मत। ठीक है, अब और आगे क्या पूछ रहा है, वैध मत निकालना है आपको, तो वैध मत निकालने के लिए आपको 6,000 माइनस 3,300 घटा देंगे तो आपके पास कितना आ गया, 2,700 वैध मतों की संख्या आ गई। ठीक है, अगला देखिए सवाल कुछ इसी तरह का, देखिए, रमेश ने वेतन में 20% की वृद्धि कर दी गई, यानी टोटल जो वेतन थी उसमें 20% की वृद्धि कर दी गई, और बढ़े हुए वेतन को में 20% कम करने पर रमेश को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। तो सिंपली सवाल है कि रमेश का जो वेतन था उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई, 20, यानी 120%। ठीक है, ऐसा लिख लेंगे आप। और जो उसका जो बढ़े हुए वेतन 20% कम करने से रमेश के वेतन में लाभ हुआ या हानि हुई, तो ये आपको निकालना है। तो कमी करने दी गई तो यानी 100 माइनस 20, यानी 80/100, तो आपको क्या करना है, इसमें 100 छोड़ देंगे, 1 0 से 1 0 से ये काट देंगे। ठीक है, ये छोड़ देंगे, इनका गुणा करेंगे तो कितना हो गया आपका, 8 2 16 6 हासिल 1, 8 और 1 9, और ये 100 लिख देंगे, यानी 100 से अगर ऊपर का ज्यादा होता है तो वृद्धि होगी, तो यहाँ क्या होगी, 4% की कमी होगी, है ना। अगर दूसरे तरीके से करें इसी सवाल को तो आपको क्या करना है, टोटल अगर उसकी सैलरी अगर आप निकालें तो 100 इंटू 100 निकालेंगे तो कितनी होगी, अनुमानित तौर पर 10,000 रुपये।
इन परसेंटेज में करना है, ठीक। 20% की उसकी सैलरी में वृद्धि हो जाती है और 20% की कमी हो जाती है उसके वर्क में, तो ये कितना होगा आपका, इंटू करेंगे आपका 2 जीरो से 2 जीरो, 8 दूनी 16, 6 हासिल 1, 8 और 1 9, 9600। अब जब 9600 हो गया है ना टोटल सैलरी, 9600 उसका लाभ या हानि का कुल खर्च हो गया, तो 9600 बटे 10000 × 100 यानी टोटल इनकम वैल्यू 3 जीरो से 3 जीरो गई, 4 जीरो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो आप, ठीक है। तो आपके पास कितना आ गया 96, तो 100 से कितना है ये कम, 4 कम है, यानी 4% की यहाँ क्या होगी कमी होगी। तो आप इस तरह से चाहो तो इस तरह से कर सकते हो, ऐसे चाहो तो देखिए एक आध और बताते हैं आपको इसी तरह का सवाल। नेक्स्ट देखिए आपको बताने जा रहा हूं, एक वस्तु की कर की दर यानी टैक्स की दर में 10% की कमी कर दी गई। सीधी बात है, सिंपली तरीका है, मैंने जो आपको बताया वो अच्छी ट्रिक है, फर्स्ट ट्रिक। 10% की कमी कर दी गई यानी 90/100 हो गया तथा इसकी खपत में 10% की वृद्धि कर दी गई, तो राजस्व में प्राप्ति का मन क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी उस पर कितनी वृद्धि कर दी गई 10, यानी 100+10 यानी 110 हो जाए। कोई भी एक 100 छोड़ देंगे आप, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो यानी 99/100, तो 100 से ये कितना कम है यानी 1% की कमी हो जाएगी आप, ठीक है, समझ में आ गए। अगला देखिए आप सवाल, चाय के मूल्य में 10% कमी होने के कारण ये बाद में करते हैं, पहले ये देखिए आप, नमक के 6 लीटर घोल में 5% नमक है, ठीक है, बाष्प द्वारा इस घोल में 1 लीटर पानी और निकाल लिया जाए तो शेष बचे हुए घोल में कितने प्रतिशत नमक हुआ। टोटल कितना नमक है 6 और 5% इसमें क्या है 6 लीटर है टोटल, इसमें 5% नमक है तो अलग कर लेंगे अपन, तीन बटी दस लिख लेंगे। आगे लिखा हुआ है, वाष्प द्वारा इस घोल में 1 लीटर पानी और डाल दिए जाने पर शेष बचे हुए घोल में कितने प्रतिशत नमक है, ठीक है, तो कुल निकालना है आपको नमक का प्रतिशत, तो 1 लीटर का निकालना है कुल नमक की मात्रा, 3/10 बटे कर लेंगे 5 कर लो, या फिर आप यहाँ 1/5 लिख सकते हो और 100%, तो 1 जीरो से 1 जीरो, 5 का 5, 5 दूनी 10, तो ये आपका हो गया कितना 60%, है ना। साठ में 2 आएंगे तो 3 दूनी 6%, ठीक है, ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर क्षेत्रफल से संबंधित सवाल आए अगर प्रतिशत में, तो वो भी सिंपल सवाल रहेगा आपके पास, तो ये आपको कुछ नहीं करना, एक ही ट्रिक से करेंगे तो आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। इसमें लिखा है, एक आयात की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने से क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, तो आप उसी तरीके से कर लेंगे, वहाँ की तो कोई नया तरीका लगाने की जरूरत नहीं है आपको, उसमें बोल रहे हैं 10% की वृद्धि लिख दो, फिर 10% की कमी लिख दो आपने,
तो 1 जीरो से 1 जीरो से 1 जीरो यानी 99/100 यानी कुछ ही सेकंड में आपके पास सवाल होगा का हल होगा यानी 1% की आपके पास कमी होगी, यानी 100 से कितने प्रतिशत कम है, 1। इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम फिर मिलते हैं कल।